राम राम सारेने, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त संजीव जून आज आपको ये बताऊंगा कि पहलवान वर्कआउट के बीच में और वर्कआउट के बाद क्या पीते हैं। तो अपनी एक तो फेमस ड्रिंक है बादाम रगड़ा, इससे अलग भी एक ड्रिंक है जो इसका नाम है मुनक्का का पानी, जो हम पोस्ट वर्कआउट और मिड वर्कआउट के रूप में यूज कर सकते हैं। मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो मुनक्का के ऊपर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने बस उसके बेनिफिट्स बताए थे। आज मैं आपको इसको बनाना बताऊंगा कि मुनक्का का पानी बनाया कैसे जाता है। तो बस आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए, सारा सब कुछ बता देंगे, इसके फायदे भी और इसको कैसे बनाया जाता है वो भी। जो भाई चैनल पर नया है जल्दी चैनल है सब्सक्राइब कर दो, और ये जो घंटी है ना इसने थोड़ा हिला दिया रो ताकि आप सभी तक मेरी नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मुनक्का को भिगोना होगा। आप जिस भी वर्कआउट जैसे सुबह या शाम किसी भी वर्कआउट के दौरान अगर मुनक्का का पानी पीना चाहते हैं तो उससे 6 या 7 घंटे पहले आपको मुनक्का को पानी में भिगोना होगा। 6 या 7 घंटे मुनक्का अच्छे से फूल जाती है। अगर आप एक जने के लिए मुनक्का का पानी बना रही है तो 20 से 30 मुनक्का काफ़ी रहेगी, और अगर आपको 2 से 3 जनों के लिए बनाना है तो 30 से 40 मुनक्का आपके लिए काफ़ी रहेगी। जब आपकी मुनक्का अच्छे से फूल जाए तब आपको एक सूती कपड़ा लेना है, एक बड़ा बर्तन लेना है और पानी लेना है। जिस पानी में आपने मुनक्का को भिगोया था उस पानी में भी आप मुनक्का को छान सकते हैं, थोड़ा अलग से पानी डाल सकते हैं। मुनक्का की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये वर्कआउट के दौरान जब पहलवान इसको पीते हैं तो उनका गला नहीं सूखता है और वे लंबे इंटरवल तक अपनी मेहनत जारी रख पाते हैं। मुनक्का के अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो वर्कआउट के दौरान आपको एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। आपको सूती कपड़े को बर्तन के ऊपर लगाना है और बर्तन में मुनक्का को फोड़ फोड़ कर डालना है। पहलवानों का वर्कआउट लंबे इंटरवल तक चलता है, उन्हें बीच में कुछ हल्का फुल्का खाने पीने को मिलता रहना चाहिए ताकि उनका फ्लूड लेवल और एनर्जी लेवल मेंटेन रहे और वो अपना वर्कआउट फुल इंटेंसिटी के साथ कर सकें। अगर कोई ज़्यादा हैवी कोई फूड खा लोगे या कोई ड्रिंक ले लोगे तो आपका पेट भारी हो जाएगा और आप अच्छे से वर्कआउट नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए कोई हल्की ड्रिंक। मुनक्का का पानी जो है वो आपको गला सूखने से बचाएगा और आपको एनर्जी लेवल आपका मेंटेन रखेगा। आप बादाम रगड़ा पी सकते हैं पर बादाम रगड़ा जो है ना आपको ज़्यादा टाइम लगता बनाने में। अभी वर्कआउट के दौरान तो आप बादाम रगड़ा बना नहीं सकते, और अगर बना भी लेगा कोई आपका यारा प्यारा आपको पिलाने के लिए जो लगता है तो आपको ज़्यादा देर तक उसको रख नहीं सकते। बादाम 1 घंटे के अंदर ख़राब हो जाते हैं, ज़्यादा हद मार के 1-1.5 घंटा चलते हैं बादाम, नहीं तो फिर ख़राब हो जाते हैं। तो मुनक्का का पानी जो है ये बेस्ट मिड वर्कआउट और वर्कआउट ख़त्म होने के एकदम बाद पीने वाली ड्रिंक है। आपको ये मुनक्का जो है अभी कपड़े के अंदर आपने डाली और डालने के बाद अब आपको इसको हल्का हल्का पानी डाल के निचोड़ना है। सारा जो इसका निचोड़ है वो इस बर्तन में आ जाना चाहिए। हल्का हल्का पानी डालते जाएं और इसको निचोड़ते जाएं। मुनक्का में बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जो हमें एनर्जी देने के साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से ही बचाते हैं। मुनक्का का पानी शरीर के फालतू फैट को काटने में मदद करता है और मोटापा कम करता है, पेट के हाजमे को ठीक कर देता है। किसी के पेट का हाजमा ख़राब है, ठीक से भूख नहीं लग रही है या फिर वैसे मतलब हाजमा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक कर देता है। मुनक्का के पानी में आयरन कॉपर बी कॉम्प्लेक्स भी मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर ठीक करते हैं और ब्लड सेल्स को मजबूत बनाते हैं। मुनक्का का पानी आँखों के लिए भी लाभकारी है। अगर आप रोज़ मुनक्का का पानी पियोगे तो आपकी आँखों की कमजोरी भी ठीक हो जाएगी। अगर आप हाथों से मुनक्का को ठीक से नहीं निचोड़ पा रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, पर एक चीज़ की सावधानी रखें कि मिक्सी में इसका बीज ना पिसें। आपको मिक्सी के अंदर मुनक्का को डालना है
और इसको हल्का सा ग्राइंड करना है ताकि गुद्दे से मुनक्का का जो गुद्दा है उससे बीज अलग हो जाए। मुनक्का का पानी हमारे लीवर और ब्लड के लिए भी अच्छा होता है। ये हमारे खून को साफ करने में मदद करता है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन होते हैं उनको फ्लश आउट करने में मदद करता है। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका बीज नहीं पिसा है। अब आप इसको एक कपड़े में डाल के सेम प्रोसेस जैसे आपने पहले किया था कपड़े में डाल के आपको निचोड़ना है। अब आप इसको आसानी से निचोड़ पाओगे, आपका मतलब जो काम है वो थोड़ा कम हो गया। और आपको अगर कभी जल्दी मुनक्का छाननी हो तो आप इस तरीके से मुनक्का छान सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि बीज ना पिसे। आप भारत के किसी अखाड़े में चले जाओ, किसी भी अच्छे पहलवान से पूछ लो, वो वर्कआउट के दौरान मुनक्का का पानी जरूर पीते होंगे। हमारे जो पहलवान इतना अच्छा वर्कआउट कर पाते हैं, लंबे समय तक वर्कआउट कर पाते हैं, उसका एक ही राज है, वो है उनकी देसी डाइट। उस देसी डाइट की बदौलत ही वो इतनी मेहनत कर पाते हैं। पर आज एक दुख का विषय यह है कि हमारे जो यंग जनरेशन है वो हमारी देसी डाइट को महत्व ना देकर विदेशी सप्लीमेंट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। हमारी देसी डाइट के आगे ये सप्लीमेंट कुछ नहीं है। अगर आपको एक जने के लिए मुनक्का का पानी बनाना है तो आपके लिए एक शेकर काफ़ी रहेगा। एक शेकर में लगभग 700 या 800 मिलीलीटर पानी आवे है, तो 700-800 मिलीलीटर मुनक्का का पानी आपके लिए काफ़ी रहेगा। 20-30 मुनक्का में 700-800 मिलीलीटर जो मुनक्का का रस है वो निकल आएगा। मुनक्का में नेचुरल शुगर होता है, ये पीने में भाई मीठी रहती है, इसमें कोई अलग से चीनी विनी डालने की जरूरत नहीं है। वर्कआउट के दौरान जब पियोगे अलग ही अच्छा मन हो जाएगा, अच्छा टेस्ट है इसका बहुत। जब मुनक्का का रस निकलना बंद हो जाए, कपड़े के अंदर से पानी डालने पर नीचे भी वही पानी सेम ऐसे निकलने लग जाए बिना रस के, तो समझो आपकी मुनक्का बन गई है। कपड़ा खोल कर देखो, बहुत अच्छी तरीके से निचोड़ी जा चुकी है, बीज नू के नू है, बीज नहीं गए कहीं पर भी। और यही आपने ध्यान रखना है कि बीज ना तो पिसे ना पानी में जाए। तो आपकी देसी मिड वर्कआउट प्लस में पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक रेडी है। अभी इसने पी कर देखेंगे या कैसी बनी है। आप भी अपने घर पर बनाओ और फिर वीडियो पर कमेंट करना कि आपने मुनक्का ड्रिंक कैसी लगी। हमने तो भैया एक नंबर की लगी, तुम भी बताइयो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो लाइक कर दो, इस पर कमेंट कर दो, अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करो, बुरी लगी तब भी कमेंट करो, कम से कम रिव्यू तो मिलेगा आपका और अच्छी वीडियो बनाएंगे अगली बारी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल ने भाई शेयर करो, हमारे चैनल ने प्रमोट करने की कोशिश करो। देसी चैनल है, देसी वर्कआउट बतावाएंगे, देसी डाइट बतावाएंगे। तो भाई इसी के साथ आप सभी को मेरी राम राम। भोले बाबा जी सा किसे में दम नहीं है और देसी किसे का कम नहीं है।